आज हम बना रहे हैं हांडी पनीर। हम रहे देसी घी और 150 ml देसी घी है। हम डाल रहे हैं 2 तेज पत्ता, 6 हरी इलायची, हाथ से खोल के डालिए। इस डिश का नाम हांडी से आया है और मिट्टी के हांडी में बन रहा है तो अर्दन खुशबू आएगी, मिट्टी की खुशबू रहेगी इस डिश में। डालते हैं दालचीनी के टुकड़े, 1 चक्री का फूल, 6 लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च, ज़्यादा नहीं। मसाले को क्रैकल होने देते हैं। मसाले कड़क गए, अब मैं डाल रहा हूँ थोड़ा सा शाहजीरा और डालेंगे 400 ग्राम कटा हुआ प्याज। 1/2 किलो पनीर बना रहे हैं हम, चला लेते हैं। हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक ताकि प्याज हमारा जल्दी गले। चला लीजिए और हम लगाएंगे ढक्कन और पकने देते हैं। ढक्कन हटाते हैं, अब बीच बीच में चला लीजिएगा। ओह, देसी घी की खुशबू, मिट्टी की खुशबू और प्याज सब मिलके काफ़ी अच्छा एरोमा आ रहा है। ढक्कन लगाते हैं और आइए अब हम बना लेते हैं एक पेस्ट। पेस्ट के लिए मैं ले रहा हूँ 1 मिक्सी का जार। डालते हैं 50 ग्राम काजू, 30 ग्राम मगज, मगज को धो लीजिएगा, 1 बड़ा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। अब हम डालेंगे 3 टमाटर कटा हुआ। हम डालेंगे बहुत थोड़ा सा पानी, ये काफ़ी होगा। चलिए ढक्कन लगाते हैं और बनाते हैं इसका एक फाइन पेस्ट। हमारा पेस्ट बनके तैयार है और ये देखिए कलर। ढक्कन हटाते हैं और प्याज को चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो गया है। इस स्टेज पे मैं डाल रहा हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट और इस रेसिपी के लिए 1.5 चम्मच। अब प्याज के साथ जिंजर गार्लिक भूनेंगे। अब डालेंगे हम 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, धनिया पाउडर 2 छोटे चम्मच हैं, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर भी। चला लीजिए, ढक्कन लगा देते हैं और भूनते हैं। कम से कम हमें 5 से 6 मिनट तक इसी तरीके से भूनना है और बीच बीच में चला लीजिएगा। अब हम मिलाएंगे थोड़ा सा पानी और चला लीजिए। मसाला अच्छे से भून गया है, ये देखिए। मैंने अपने कई रेसिपीज़ में आपको कुलिनरी टिप्स और कुछ सीक्रेट दिखाए हैं। आज भी मैं आपको इस ग्रेवी के लिए एक सीक्रेट बता रहा हूँ कि मैं ले रहा हूँ 1 कैप्सिकम, मीडियम साइज़ कैप्सिकम, उसको मैंने बारीक काटा है और इस कैप्सिकम से स्वाद बहुत अच्छा निकल के आएगा। और जैसा कि मैं बोलता हूँ, हर रेसिपी की एक अपनी खूबी होती है, मेरी इस रेसिपी की ये खूबी है। आप इसे गौर से देख लीजिए, अच्छे से भून लीजिए। शिमला मिर्च में एक अच्छा फ्लेवर होता है, टेस्ट होता है, जो कि इस ग्रेवी में मिलेगा, आप ये देख सकते हैं। चलिए हमें इसे अच्छे से भूनना है। वापस से हम ढक्कन लगा के कम से कम 3 से 4 मिनट तक भूनेंगे। 3 मिनट का समय हो गया है, ढक्कन हटाते हैं और इस स्टेज पे हम डाल देंगे पेस्ट जो हमने बनाया था। अब अच्छे से हमें भून लेना है। अब आप ग्रेवी की नज़ाकत को देख सकते हैं और उतने ही अच्छी अर्दन फ्लेवर आ रही है अभी। अब ग्रेवी को हमें कम से कम 8 से 10 मिनट तक ऐसे ही भूनना है। अब हम यहाँ पे मिलाएंगे 1 कप दूध। सो हमें ऊपर से पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। कई बार दूध डालने से ग्रेवी काफ़ी टेस्टी बन के निकलती है। और इसी स्टेज पे हम मिला देंगे पनीर। पनीर का साइज आप अपने अनुसार काट लें। चला लेते हैं, ये देखिए। यहाँ पे चेक करके नमक भी मिला दीजिए। ध्यान रखिएगा, नमक हमने प्याज भूनते समय भी मिलाया था और ये काफ़ी होगा। चला लीजिए, ढक्कन लगाते हैं और इसे वापस से हम 5 से 6 मिनट तक पकाते हैं। आइए ढक्कन हटाते हैं और आप देखें तेल स्प्लिट होने लग गया है और हमारा पनीर बनके पूरी तरह से तैयार है। थोड़ा सा चीनी, हल्की सी मिठास देने के लिए। अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते, आप अवॉइड कर लें। और लास्ट में इलायची पाउडर पिंच और इस रेसिपी में जाएगा थोड़ा सा नटमेग पाउडर। चला लेते हैं, आइए सर्व करते हैं हांडी पनीर। और हांडी पनीर को हम सर्व कर रहे हैं मिट्टी के बॉल में। हांडी पनीर मिट्टी की हांडी की बात ही कुछ और है। आप इसे बनाइए और हमारे चैनल को बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हम गार्निश करेंगे क्रीम के साथ।
अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और रेसिपी से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वायरी के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से अश्विनी कुमार सिंह पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।